चीन में हुईकेंग नाम का एक बच्चा जन्म से ही दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है, जिससे उसके दो चेहरे नजर आते हैं। उसे मास्क बॉय की उपमा दे दी गई है और वह लाखों करोड़ों लोगों का ध्यान खींच चुका है। बच्चा सीवियर ट्रांसवर्स फेसियल बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में मुंह के दोनों ओर से कानों की तरफ दो बड़े गैप हो जाते हैं। हुवान प्रांत में जब हुईकेंग का जन्म हुआ था तो उसकी माँ उसका चेहरा देखते ही घबरा गई थी। हुईकेंग के माँ के मुताबिक, मैंने देखा कि हुईकेंग के आंसू आ रहे थे और उसे देखकर मैं भी रोने लगी थी। जब मैं गर्भवती थी तो 3 बार अल्ट्रासाउंड स्कैन और 1 दफ़ा ड्रोपलर अल्ट्रासाउंड स्कैन कराने के बावजूद अंदर बच्चे में कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई थी। हुईकेंग की दादी के मुताबिक, उसे देखकर कई रिश्तेदार ने फेंकने का सुझाव दिया, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हुईकेंग के कोमल ऊतक टूटने के साथ इधर उधर हो गए हैं, साथ ही कई हड्डियां नष्ट हो गई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 10 साल इंतज़ार करना होगा जिससे यह पता चल सके कि उसके चेहरे की हड्डियां सामान्य रूप से बढ़ रही हैं या नहीं।